KDH Wagiliwala Banama Riyash and well finisher Mehboob 11 Bonkode ke beech to Bonkode team ne toss jeet kar pehle gendbazi karne ka faisla kiya aur ballebazi karne ke liye KDH Wagiliwala team ko nota diya hai. और देखिए इस बार पटरी के ऊपर से रेलगाड़ी भी तेज चल रही है, तो तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत. शेवटची एक मिनट, लास्ट वन मिनट, रिमेनिंग वन मिनट. यस, तो मैच को शुरुआत कीजिए और पहली गेंद फेंकेंगे. इस बार देखा जाए तो यहां सूरज पाटिल को, दोनों तगड़ी जोड़ी है वागीलीवाला टीम की, लेकिन गेंदबाज है मोसिम बलोच. तो चलिए पहली गेंद, जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी समा जाए वही समंदर है, जीवन के कर्मभूमि में युद्ध बहुत है लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है. पहली गेंद चली ऑप्टम के बाहर, अंपायर दरकरा चोर के जिन्हें उसे वाइट घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए तो केडीएच वागीलीवाला टीम का खाता ओपन, स्कोर 1. खिलाड़ी पॉइंट है, शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑन है ऑन साइड के ऊपर, शॉट पॉइंट लेके, शॉट स्क्वायर लेके और दो खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक है. अगली गेंद फुल टॉस गेंद और ये बीमर है, ऊंचाई का चक्का और लंबाई काट, लेकिन अगली गेंद फ्री हिट है, दमदार 6 रन दीजिए. तो इस बार देखा जाए सूरज पाटिल को एक बार फिर से मौका है क्योंकि गेंद है फ्री हिट का. ये गेंद के ऊपर बड़ा आक्रमण करने का बल्लेबाज के पास मौका है, लेकिन मोसिम बलोच किस तरह से गेंद फेंकेंगे, इस बार सूरज कैसे सामना करेगा वक्त बताएगा. फ्री हिट इस बार उड़ाया, छली 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 छली, खिलखिली चंपा खुश हुई रंबा, देखो पड़े लंबा छके मारा खंबा ठोक. पहली गेंद के ऊपर वाइड, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद वाइड, चौथी गेंद नो बॉल, उसके ऊपर आए थे 7 रन और फ्री हिट के ऊपर आए छक्का. तो कुल मिला के देखा जाए केडीएच वागीलीवाला टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, लेकिन 16 के घर में. मोसिम की अगली बॉल इस बार अक्रॉस लाइन घूम के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बॉडी के ऊपर टकरा गई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर. पीली जर्सी बनाम स्क्लाइव बूज के बीच इस बार देखा जाए मुकाबला चल रहा है और स्क्लाइव ब्लू में या केडीएच वागीलीवाला टीम खेल रही है और पीली जर्सी में बोनकोडे टीम खेल रही है. कौन सी टीम जीतेगी, कौन से रंग की जर्सी टीम जीतेगी वक्त बताएगा. 16 पे स्कोर जा चुका है अभी तक इस ओवर की, मेरे हिसाब से गेंदे शेष है 3. सूरज इस बार यह देखिए सिंगल जरूर मिलेगा, ऑफ ड्रॉ किया गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जा रहे, बढ़िया सेत रक्षण वारियांश एंड वेल फिनिशर महबूब 11 बोनकोडे टीम द्वारा. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने बढ़िया सेत रक्षण किया मगर एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. स्कोर है 17 के घर में और इस ओवर की अभी तक बची हुई मेरे हिसाब से यहाँ 2 गेंदे शेष. सामना करेंगे प्रतीक सुरते, सुरती के लिए गेंद इस बार ठीक ठाक का बल्ले से आई नहीं है, सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन सूरज मना कर रहे हैं. इस बार देखा जाए यहाँ प्रतीक को सिंगल जरूर मिलेगा, मिड विकेट फील्डर ने बढ़िया सेत रक्षण किया और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. केडीएच वागीलीवाला टीम का स्कोर पहुंचा है 18 के घर में. इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, अंतिम बॉल फर्स्ट ओवर की, पहला मैंडेटरी पावर प्ले है. भारतीय रेल पटरी से गुजर रही है मालगाड़ी, बॉल इनसाइड आउट शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, पॉइंट फील्डर देखता ही रह गया, यह ताकत मिस्टर सूरज पाटिल की ठोक दीजिए.
बघा बोनकोडेला टीम मीटिंगची परवानगी आता नाही आहे. कमिटीची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचली आणि पुढचे दोन्ही संघ आपल्याला जर उपस्थित असतील, आमंत्रित संघ काळुंद्र खेळणार आहे आणि उमेश सर त्यांच्या विरुद्ध भवाळे बी संघ. जर उपस्थित असतील काही सहकारी तर फक्त रिपोर्टिंग करा, आले असतील तर रोशनजी भोईर साहेब आपटे यांचं इथे आगमन झाले, त्यांचं वेलकम करूया. आणि आज आम्हाला या स्पर्धेसाठी नितीनजी भगतसाहेब सरपंच यांनी सर्व सुंदर ट्रॉफी स्पॉन्सर केल्या आहेत, त्यांचं धन्यवाद देऊया. गार्गी एंटरप्राइजेसचे विवेकजी भोईर मॅन ऑफ द सिरीज, संतोषजी केणी स्पोर्ट्स सायकल, प्रदीपजी बैरे उद्योजक यांच्याकडून स्पोर्ट्स सायकल, वैभव ढवले अद्विक इंटरप्राइजेस यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच. आणि आम्ही सर आणखीन एक माहिती देण्याचा प्रयत्न मी करेन का या स्पर्धेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं हॅट्रिकचं बक्षीस स्वीकारलं जाणार नाही. तुम्हाला जर खेळाडूंवर बक्षिसांची लई लूट करायची असेल तर तुम्ही मॅच नंतर करा. आणि जेव्हा मॅच टफ असते ना, एकदम अटीतटीचा सामना, तेव्हा कुठल्याही संघाचा पाठी राखायला जे बक्षीस लावलं जातं ते या प्रकारे इथे मात्र मॅनेजमेंटकडून आम्हाला स्ट्रिक्टली वॉर्निंग केलं, जेव्हा सिच्युएशन टफ असेल तेव्हा खेळाडूंवर बक्षीस स्वीकारलं जाणार नाही. धन्यवाद, वळूया मॅच कडे. यस, फर्स्ट ओव्हर के बाद स्कोर पहुंचा है 22 के घर में, बगैर नुकसान पे 17 पे सूरज प्रतीक. इस बार ड्राइव किया एक बार फिर से ऑन ड्राइव और गेंद चली गई सामने, लेकिन अलोंग द ग्राउंड और अंत में बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद बॉर्डर लाइन, खराब क्षेत्र रक्षण, 4 के साथ स्कोर 26 विदाउट लॉस केडीएच वागीलीवाला. बोला जय श्री राम. अरे महेंद्र निकाल जी इस मैच को देख रहे, एक बेहतरीन कैमरामैन और अच्छे एक शानदार ऑपरेटर है, उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामना. महेंद्र हार्दिक स्वागत. इस बार रिवर्स थ्री बैटिंग करने का प्रयास किया था, रफ्तार से गेंद को फेंका था गेंदबाज. इस बार देखा जाए विघ्नेश पाटिल, कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेके दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है. और ये आयोजन देखिए कितना कड़क है, रात काली है और उसमें उजाला देखिए किस तरह से चमक रहा है. आज इस बार देखा जाए इस बार उसरली खुर्द गांव में यह परफेक्ट आयोजन और करेक्ट नियोजन है. यस, ऑन साइड के पर कलाई के सारे मोड़ दिया मिड विकेट, और इस बार देखा जाए या स्क्वायर लेग के बीच से गेंद को निकाल दिया है, दंदनाता हुआ दूसरा चौवा ठोकम ठोक दीजिए. सर इनिंग ब्रेक मध्ये कंपल्सरी टॉस होणार आहे, आणखीन एक माहिती. स्कोर 30 पाटील, और गई और गई, देखो ना देखो मेरे लल्लू, उधर से आई चमक छल्लू और ऐसा मारा छक्का कि गेंदबाज का होश उड़ गए. हल्लू हल्लू ठोक. ये जोड़ी केडीएच वागीलोडा टीम की काफी कड़क है, ये कोई कांच नहीं है इसे आप तोड़ सकता, ये जोड़ी मजबूत है. एक साइड से सूरज ने हमला किया तो सुरते ने कह दिया मैं रोकने वाला नहीं हूं, ठोकम ठोक चल रही. इसे कहते मुहावरा एक कहावत है, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. नेक्स्ट बॉल ये देखिए, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है. सिंगल मिलेगा प्रतीक सुरते को, 36 बार सर 37 स्कोर 37, केडीएच वगैरह टीम का स्कोर है 37, 17 पे खेल रहे सूरज पाटिल, प्रतीक सुरते खेल रहे 17 पे, टॉस जीत कर यहां इस बार देखा जाए बोनकोडे टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सुंदर जबरदस्ती है, कड़ाकेदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे. हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुके हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट का जलवा महासंग्राम आज ठाणे और रायगढ़ जिले के अंदर चल रहा है. लेकिन यह हम देख रहे इतना कड़क 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन है. ये गई, मैं बोला ना, बोला तो बोला छक्का. थँक्यू व्हेरी मच. तर याच दरम्यान आमचे सन्माननीय पाहुणे
सुनील जी चव्हाण साहेब तळोजा कारागृह पोलीस चे साहेब आहेत. मी पोलीस साहेब सुनील जी चव्हाण साहेब तळोजा कारागृह यांचं इथे आगमन झालं, त्यांचं वेलकम करतो आणि त्यांना विनंती करतो का आपण आमच्या स्टेजवर यावं. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. सन्माननीय सुनील जी चव्हाण साहेब यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. ये स्कोर 43 हाईएस्ट स्कोर हो चुका है पावर प्ले में. भातान बनाम कोपरोली के बीच जब मैच चल रही थी कल, तो कोपरोली टीम ने भातान के खिलाफ दो ओवर में रन इकट्ठा किए थे 40, लेकिन यहां केडीएच वागिलोला टीम ने हम देख सकते दियांश एंड वेल फिनिशर महबूब इरन बोनकड़े के खिलाफ 43 रन इकट्ठा किया है. क्या ठोकम ठोक, पहले पावर प्ले में ऐसी बल्लेबाजी हुई मानो ना प्रतीक रुका ना सूरज रुका, दोनों ने कह दिया कि यही मौका है वसूल लो. शोले पिक्चर की मुझे याद आ गई, इस बार का लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा. हाँ, ये ड्राइव खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद और छनी छनी जमीन को चूमती हुई 4 रन. तैतालीस था और इसके बाद 4 आया, 47 हो चुका है. रनों की बारिश हो रही है. पार चंदन आए गेंदबाज, चंदन गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन सिंगल मिलेगा. बल्ले से आ चुके अंपायर चोरके साहब बता रहे, एक सिंगल के साथ 48, 48 रनों की तेज तर्रार भागीदारी और 48 रन पे कोई हानि कोई नुकसान नहीं है केडीएच वागिलोला टीम का. क्या जोड़ी तगड़ी देखिए, एक जगह प्रतीक सुरते तो दूसरे जगह सूरज पाटिले, 23 पे सूरज कह रहे प्रतीक कह रहे 22 पे, तीसरा ओवर जारी है. प्रार चंदन ये गई, मैं बोला ना, बोला तो बोला, आ गया आपका गोला. तो रायगडची नामांकित स्पर्धा आहे आणि हा जो षटकार पाहिला ना तो मीनाक्षी नगरच्या बिल्डिंगच्या टेरिसवर गेला, हा लांब लचक षटकार. यस, ऐसे कहते लांब चिक्की जवळ आले और खानावराची मजा झाली. पीली जर्सी वाले देख रहे क्या चले हमारे साथ खिलवाड़. ये देखिए एक बार फिर से ड्राइव जोरदार किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां, एक सिंगल, लेकिन प्रतीक तैयार नहीं है रन के लिए. तर नक्कीच आमचे रमेश भाऊ यांचं इथे आगमन झालं, त्यांचं आम्ही वेलकम करतो. आणि सुनीलजी चव्हाण साहेब तळोजा कारागृहाचे साहेब आहेत आणि त्यांचं इथे आगमन झालं, त्यांचं धन्यवाद देतो. महेंद्र भोईर आणि रोशन भोईर या आमच्या स्पॉन्सरचं धन्यवाद देतो आणि डी इव्हेंटची सुंदर बाउंड्री त्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केली, धन्यवाद. धन्यवाद. इस बार देखा या प्रतीक के लिए सामने डाउन द ग्राउंड, लेकिन दंदनाती हुई गेंद चली, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, बढ़िया स्ट्रोक था, उतनी बढ़िया क्षेत्ररक्षण, एक सिंगल के साथ हम देख सकते हैं. तो केडीएच वागिलोला टीम का स्कोर पहुंचा 56 विदाउट लॉस. इस बार 30 पे खेले सूरज पाटिल, 23 पे खेले प्रतीक सुरते, लेकिन क्या छक्कों और चौकों की बारिश की है. दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आग लगाई मैदान के अंदर. और पार्थ बार, पार्थ बार, मैंने कह दिया ना, एक क्रॉस लाइन से रोहित शर्मा की याद दिलाई, नाम है मिस्टर सूरज पाटिल. देखिए ऐसी कड़क बल्लेबाजी देख के एक जमाने के केडीएच वागिलोला टीम के लालचंद गावंड साहब भी उस जमाने में ऐसी ठोकम ठोक करते थे, लेकिन आज उनका वारसा ये दो यंग स्टारों ने देखिए केडीएच वागिलोला टीम के लिए क्या योगदान दिया है. सूरज पाटिल 36 पे कह रहे, प्रतीक सुरते 23 पे कह रहे, केडीएच वागिलोला टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्ति के बाद
62 रन विदाउट लॉस. नक्कीच आम्ही सर मागच्या वर्षी वर्ष दुसरं जेव्हा आयोजन पाहिलं तेव्हा या सूरजनं कारनामा केला आणि तोच सूरज पाटील 9-36 मागच्या वर्षीची स्पर्धा ज्याने मालिकावीर बाईकचा नामांकन ज्याला मिळालं होतं, वन ऑफ द ब्लास्टर रायगडचं टॅलेंट, वन ऑफ द ग्रेट हिरो अनोईक स्पर्धा त्यांनी गाजवल्यात आणि गावदेवी उसराय पर्व तिसरं. मागच्या वर्षी मॅन ऑफ द सिरीजचा दावेदार होता आणि पुन्हा एकदा या वर्षी आता बोनकोडे विरुद्ध त्याचा तडाखा पाहायला मिळतोय. 62 स्कोर और स्कोर बोर्ड सागर मांडवकर जी मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी की मीटर की तरह तेज चल रहा है. या पीली जर्सी को स्काई ब्लू जर्सी को भी हंगामा दिखाना पड़ेगा. यस मंगलमूर्ति कालुंदे और भवाले बी के बीच मुकाबला होगा नेक्स्ट मैच. दोनों कप्तानों को सोचना है कि आप रिपोर्टिंग कीजिए, स्कोर कितना भी बनने दो, टेंशन मत लेने का. बारी बारी सबकी बारी, एक बारी तुम्हारी तो दूसरी हमारी, लोहा गर्म करो बस बस. ये सुंदर बॉल, ये देखिए गेंदबाज मोहन दीक्षित कोटे का पहला, पारी का चौथा ओवर लेके पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 21, तीसरे ओवर में 19. अंग्रेजी तुम उसे मत सिखाओ, उसने बहुत ऐसे खत लिखे हुए भाभी जी को. ये छली लेकिन ड्राइव ऑन साइड के ऊपर क्रॉस बैट से बैकर्स कर ले के ऊपर गेंद छली और जाएगी और जाएगी और जाएगी सीमा और रेखा का दर्शन 4 रन. और ये देखिए अंत में बॉल ने कह दिया कि मुझे सीमा और रेखा का दर्शन लेना ही है. दर्शन इज इंपॉर्टेंट बात होती है, लेकिन 4 के साथ स्कोर 66 के घर में सब 32 खोल के हंस रहे. 66 विदाउट लॉस, प्रतीक सोरते 27 पे. दीक्षित की अगली बॉल, लेकिन इस बार शॉट मजबूती का नहीं है, सिंगल जरूर मिलेगा. मिडवे के खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे 67. 67 स्कोर 20 पर इवेंट की है. शानदार क्लेरिटी हमारे नितिन साहब धुंध रहे इनकी अच्छी साउंड सिस्टम. गावदेवी का खूबसूरत यह मैदान मीनाक्षी नगर उसरली खुर्द. हमारे अच्छे स्कोरर इस बार देखा जाए उमेश भोईर साहब और दो अंपायर हमारे अंदर है. इस बार देखा जाए दरका चोरगेसर और बोल सत्यवान काकड़े. अगर ककड़ी के बाद कौन है तो ये काकड़े है अंपायर. और इसी के साथ पहला झटका, बड़ी मछली जाल में फंस गई है. 67 में पहला विकेट, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाकर ये स्टैंडर्ड मैन खिलाड़ी पिछले साल के बाइक मैन जिनके पक्ष में आई थी वो सूरज पाटिल 36 रनों की बेजोड़ पारी, दिलेर पारी खत्म हो गए. वेल डन सूरज पाटिल डीजे. सड़सठ रनों की तेज तर्रार भागीदारी टूट गई, लेकिन क्या बैटिंग की. 36 रनों की बहुमूल्य तूफानी पारी खेली अपनी टीम के लिए सूरज पाटिल. जितने दिखने में हैंडसम है उतनी उनकी बल्लेबाजी भी हैंडसम है. और उन्होंने इस बार देखा उसरली के मैदान के ऊपर यहां बोनकड़े के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन ये जोड़ी तोड़ने में कामयाब बने मोहन दीक्षित. पहली सफलता मिली दीक्षित को और पहली कामयाबी. या देख सकते दिव्यांश एंड वेल फिनिशर महबूब इलेवन बोनकोडे टीम. इस बार खूबसूरती के साथ ड्राइव कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है. वहां नई बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं भागेश्वर ते. दोनों भाई मैदान के अंदर है. जैसे भारत की भाई लोगों की जोड़ी महेंद्र अमरनाथ सुरेंद्र अमरनाथ जी, इरफान पठान ऋषि पठान, हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या इरफान पठान ऋषि पठान, वैसी है जोड़ी है भागेश्वर प्रतीक सुरती. ये गई ये ठोकम ठोक गेंद हवाई यात्रा पे, 4 रन नहीं 14 आया.
यस नेक्स्ट मैच मंगलमूर्ति कालुंद्रे बनाम भवाले भी आज के मैचेस देखिए। तीसरा मैच है जयन मन कामड़े बनाम सौरांश शीलन भैरवनाथ गोटे घर। यस जयन मन कामड़े बनाम भिंगारी और चौथा मैच अर्श से पेट बनाम वेदांत इलेवन घनसौली। वेला पत्रक में जो बदल हो जाएगा वह आपके आंखों के सामने बताएंगे। पहले हम आठवीं नौवीं कक्षा में होते थे तो दोपहर के सत्र में वेला पत्रक आता था कल कौन से क्लास है, लेकिन फिलहाल 72 स्कोर 72। लेकिन आखिरी गेंदबाज है विघ्नेश पाटिल। ये देखिए खुद का दूसरा है पारी का, ये लास्ट ओवर ब्लास्ट करने का टाइम है, सामना करेंगे इस बीच भागेश। भागेश सुरते चलिए ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए और इसी के साथ दूसरा झटका 72 विकेट के नुकसान पे केडीएच भागीलवाड़ा डीजे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत थे, राजा एक ही होके चला गया राजा, इतिहास के पन्नों में हुआ सिकंदर, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं। लेकिन बिलाल 72 दो विकेट के नुकसान पे और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे, भागे सुरते एक रन बना के वापस। सुमित पाटिल लेकिन आखिरी मेरे हिसाब से यहां गेंदे बची हुई है 5। सुमित तैयार है, ये क्या बॉल यार, खतरनाक स्पीड रफ्तार देखिए कितनी जबरदस्त थी, धार अच्छी थी, सटीक भी सही थी, लाइन भी सही थी और गेंद डालने के लिए जो गेंदबाज आए विघ्नेश पाटिल वो भी सही है। अभी तक 4 गेंदे इस ओवर की शेष है। प्रतीक सुरते नॉस्ट ग्रेन पे 32 पे कह रहे 14 गेंदों का सामना किया, लंबा रन अप है। ये देखिए बॉल देखिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। रन है क्या अंपायर साहब, देखिए चाहिए रन तो स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। प्रतीक सुरते ये कह रहा है कि मुझे मौका दो, लेकिन गेंदबाज विघ्नेश पाटिल ये सोच रहा है कि प्रतीक नॉन स्ट्राइक रेन पे चाहिए, स्ट्राइक के बल्लेबाज को मैं देखता हूं। उन्होंने इस बार देखा जाए 3 गेंदे डॉट फेंकी है और देखिए पटरी के ऊपर से रेल गुजर रही है, सभी यात्रा जो कर रहे हैं वो मैच को देख रहे हैं। इस विकेट कीपर के गेंद में हाथ जा सकते तो डॉट ही गेंद नियम है। ये गेंद थोड़ी सी बाहर है, खराब गेंद घोषित किया अंपायर धरकन चोरगे साहब, सत्यवन काकड़े जी और जीवन जी गावंड साहब। इस साल तो ऐसा काम किया है ना रुक रहे रात में ना रुक रहे दिन में, क्या स्टैमिना है खड़ा रहने का। नेक्स्ट बॉल होगी, फुल टॉस बॉल है, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को टर्न किया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद, एक ही सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक होगी सूरत या प्रतीक सुरते के पास और एक सिंगल के साथ केडीएच वागीलवाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 74-74 दो विकेट के नुकसान पे। आखिरी दो गेंदे शेष इस आखिरी ओवर की और टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी बन चुका है 73 भातान का था लेकिन ये तो 74 बन चुका है। और गई छरन, आसमानी सुल्तानी काली रात का गगन दमामा छक्का। जय शिवराय, लेकिन ओवर पिच बॉल जब डाली तो इसके ऊपर सामने छक्का ठोक दिया सीधा, कही दे रहे कि शेर के इलाके में चोरगे साहब अगर बकरी छोड़ेगा तो उसका पर्दाफाश होगा और बैट्समैन के इलाके में काकड़े साहब गेंद को फेंकेगा तो गेंद का पर्दाफाश होगा।
और पिच बॉल किसी को मत देने का। लेकिन आखिरी गेंद शेष 80 स्कोर, दो विकेट के नुकसान पे प्रतीक सुरते 38 पे खेल रहे। सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सेवाग स्टाइल से तूफानी जानदार आक्रमक दिलेर और मालदार पारी चल रही है। नाम है चारों दिशा में प्रतीक सुरते, प्रतीक सुरते और प्रतीक सुरते। एक गेंद शेष इस आखिरी ओवर की, अंतिम ओवर, 80 स्कोर हो चुका है, 80 रन बोर्ड के ऊपर, आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन, ये डॉट विकेट, ये हवा में जरूर है, कैच की संभावना, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक कैच को पकड़ा, 80 रन हो चुके या केडीएच वागुलर टीम के। प्रतीक सुरते मैदान से वापस चले गए अपनी टीम के लिए, 38 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, तूफानी पारी खेली, आसमानी पारी खेली और चार चांद लगाने वाली पारी केडीएच वागुलर टीम के लिए। लेकिन केडीएच वागुलर टीम का स्कोर पहुंचाए 80 और जीतने के लिए दियांश एंड वेल फिनिशर महबूब 11 पोनकोड़े टीम को 81 रनों की जरूरत है। इस 81 का पीछा करने में पोनकोड़े टीम की कैसी होगी बल्लेबाजी और केडीएच वाघेली वाला टीम की कैसी होगी गेंदबाजी, रिजल्ट क्या लगेगा, मैच कौन जीतेगा, कौन सी जर्सी भारी पड़ेगी, पीली जर्सी या स्लाई ब्लू जर्सी, वक्त बताएगा। लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर बदला होगा, सुनिए हमारे रॉकस्टार प्रवीण जी गायकर की सुमधुर जुबानी और शानदार क्रिकेट की कहानी। तब तक हम चल रहे हमारे बेहतरीन मराठी का सुमधुर मुलायम आवाज सागर मांडवकर पास जो स्टेज के ऊपर मौजूद है। धन्यवाद अमित सर, इथे आपण पाहतोय नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघांना रिपोर्टिंग करायचं, काळुंद्रेने रिपोर्टिंग केले, धन्यवाद। डीसी एंटरप्राइजेस नावानं आज खेळणार आहे तो काळुंद्रे संघ, तर महेंद्रजी भोईर साहेब यांचा सन्मान इथे होणार आहे। मी प्रमोद पाटील यांना विनंती करेन का आपण त्यांचा सन्मान करावा। महेंद्र भोईर आणि रोशन भोईर आमचे डी इव्हेंट बाउंड्रीचे पुरस्कर्ते, तांशूर दाते। मी महेंद्र भोईर साहेबांना विनंती करेन आमच्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। यानंतर आम्ही पाहतोय तळोजा कारागृहाचे पोलीस साहेब सुनीलजी चव्हाण साहेब यांचासुद्धा सन्मान होणार आहे। मी नितीनदादा भगत सरपंच यांना विनंती करेन आपण सुनील चव्हाण साहेब यांचा सन्मान करावा। बघा पुढचा सामना लगेच सुरू होणार आहे आणि आता मॅनेजमेंट थोडी स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेतोय। मी डीसी एंटरप्राइजेस काळुंद्रे रेडी आहे, एक संघ प्रतीक्षा आपण जरूर करतो, वेळसुद्धा देणार आहोत कारण आपल्याकडे अजून अर्धा तास आहे, वेळ देऊया आपण। सर्वांना समजून घेणं हे आमचं कर्तव्य, मात्र खेळाडूंनीसुद्धा समजून घ्या। तर इथे सन्मान होणार आहे, आपण पाहतो महेंद्रजी भोईर साहेब आणि सन्मानीय सुनीलजी चव्हाण साहेब, मॅच लगेच ऑन करायचे। उपस्थित आमचे सर्व सन्मान्य पाहुणे राजू रोडे साहेब बॉलचे पुरस्कर्ते, त्यांचं धन्यवाद। मयुरेश भगत बिस्लरी पाणी बॉटल्स आम्हाला स्पॉन्सर केले आहेत, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। गणेशजी साहू आमचे शूजचे स्पॉन्सर आहेत, त्यांचा धन्यवाद देतो। तर इंटरनेट सेवा आम्हाला स्पॉन्सर केले ते विनीत यांचा आम्ही सुद्धा धन्यवाद देतो। वैभव ढवळे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कर्ते, तर रमेश भाऊ यांचा सन्मान होणार आहे। मी जितेंद्र भगत साहेबांना विनंती करेन, रमेश भाऊ यांचा सन्मान आपण करावा। चला मॅच ऑन आपल्याला करायचं लगेच आणि त्यानंतर आपण मॅचकडे कॉन्सन्ट्रेशन करणार आहोत। रमेश भाऊ यांचा इथे सन्मान होणार आहे। संतोषजी केनी साहेब सायकलचे पुरस्कर्ते, प्रदीपजी भैरे साहेब सायकलचे पुरस्कर्ते, त्यांचा आपण धन्यवाद देऊ। उपस्थित पाहुण्यांचा आपण धन्यवाद। सन्माननीय शंकर भगतसाहेब यांचासुद्धा इथे सन्मान होणार आहे। मी जितेंद्र भगतसाहेब यांना विनंती करेन। रोहनजी बिंगारकर साहेब हेसुद्धा उपस्थित आहेत। नितीनजी काकडे साहेब यांचासुद्धा इथे सन्मान होणार आहे, वेलकम।
चला मागुली वाडा संघ फिल्डिंग लावून घ्या लगेच. मी विनंती करेन आपल्याला आणि ग्रामस्थ मंडळाला विनंती करेन आपण स्टेजवर यावं आणि वळूया आपण मॅचकडे आणि ऐकूया लोकप्रिय हिंदीचा बुलंद आवाज. सर्वांचे गळ्यातले ताईत प्रवीण गायकरांना ऐकणार आहोत आणि मी विनंती करेन आज आमंत्रित संघ जरूर आपण जरूर पाहूया. तर यस, वळूया मॅचकडे. पाहुण्यांचं मनापासून धन्यवाद, सुस्वागतम. गावदेवी उसराई चषक 2024 ग्रामस्थ मंडळ उसरली खुर्द रायगडमधील नामांकित आयोजन आणि आज क्रिकेटचे महाबली ताकदवार संघ. यस, वळूया प्रवीण गायकर यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सागर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मेदेव सर्व कार्य सुसर्वदा अखंड अग्रिकुली करड्यांची कुलस्वामिनी आई एकवीरा आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मानाचा मुजरा आज पाहू शकाल. मुकेश भाई भगत विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य. मित्रांनो, की मागच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये आपण महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीला पाहिलात आणि संपूर्ण सिने कलाकार राजकीय क्षेत्रातील सर्व दमदार मंडळी आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलीत असे या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक मुकेशभाई भगत, नितीनभाई भगत सरपंच आणि संपूर्ण गावदेवी उसराई युवा सेना भारतीय जनता पार्टी यांनी पाहिलेलं हे स्वप्न. दिमागदार आयोजन सागर. LED जर पाहिलीत तर भरपूर स्पर्धेमध्ये हे चित्र पाहायला मिळत नाहीये, परंतु इथे आपण पाहू शकाल ही LED मंचावरती स्क्रीनवरती देखील आपल्याला पाहायला मिळते आणि एक दिमागदार आयोजन. तो बिलकुल चलते हैं मॅच के अंदर. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकडे आपका स्वागत करता हूं, जहां से पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 80 रन ठोके, 81 रनों का टारगेट और उसका जवाब देने के लिए पार्थ और परशुराम. पहली गेंद गैप ढूंढी है जरूर, पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद, रोकने में नाकामयाब, जैसे को तैसे जवाब, सीमा पार, 4 रन. दमदार यहां पर शुरुआत देते हुए बल्लेबाज और इसी 4 रनों की मदद से आपने पारी की शुरुआत की पार्थ ने और 400 के स्ट्राइक रेट से परशुराम ने अपने पारी की शुरुआत की और 400 के स्ट्राइक रेट से यहां पर खेलना पसंद किया. जानते हैं ये स्कोरिंग ग्राउंड है, विकेट भी पाटा है, सपाट है और बल्ले पर अच्छी गेंद आएगी और इस बार मिस टाइमिंग है. बल्ले का लगा है बाहरी किनारा और सीधा गेंद विकेट कीपर दर्शन के हाथों में और ये पहला करारा झटका लगेगा. परशुराम ने जैसे फन उछला था, परशुराम का फन कुचल दिया पहला झटका. ऐकलत मित्रांनो, छत्रपती शिवरायांना वंदन करून ही स्पर्धा सुरू झाली आणि पाहता पाहता ही स्पर्धा दुसऱ्या रात्रीमध्ये यशस्वी वाटचाल करत असताना क्या जबरदस्त यहां पर आयोजन. फ्रंट लाइट की हम जरूर चर्चा करेंगे. जो ये लाइट है वो खिलाड़ियों को पूरी तरीके से जो रोशनी है वो प्रदान कर रही है और ये शार्पी जो आप इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से दमदार आयोजन आपके सामने नजर आता हुआ मुकेश भाई भगत युवा सेना और खास करके भारतीय जनता पार्टी उसरली उसराई चषक का ये शानदार पर्व आपके सामने. YouTube पे जो दर्शक 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करेंगे. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. और चलिए इस बार भी ये शॉट डिसमिसल, आवाज आई थी जोर से और बैट्समैन लौटेंगे मैदान से बाहर. एक और करारा झटका. माल की यहां पर गेंदबाजी नजर आती हुई, थोड़े से यहां पर चके लेग ब्रेक, यहां पर एक्शन रिप्ले में आप देख रहे हैं और देखते ही रह गए वहां पर जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वहां पर बल्लेबाज. तो चलिए इस बार हल्का सा बाहरी किनारा लगा और सीधा गेंद विकेट कीपर के बिल्कुल दस्तानों में और यह अपील स्ट्रांग थी वहां पर सूरज की और इस अपील को अंपायर ने स्वीकारा. नए बल्लेबाज आएंगे सोनू बलोच जिनके ऊपर बहुत सारी अपेक्षाएं होगी. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल में डाला है बॉलर तैयार और यहां ट्रैकर की बॉल. इस बार उछाल खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज सूरज. कोई गलती नहीं, पिछले साल का इतिहास बरकरार रखते हुए क्यों मुझे मैन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था उसी का उत्तम उदाहरण पेश करते हुए गेंदबाज सूरज और यह लगता हुआ
तीसरा करारा झटका और आज के रात्रि की ये पहली हैट्रिक और ये टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक सूरज के नाम पर। टपका रे टपका, एक और टपका, यहां पर विकेट लगातार गिरी जा रही है। पूरी तरीके से प्रेशराइज क्रिकेट खेल रही है यहां पर महबूब, वेल फिनिशर महबूब इलेवन टीम बोनकोड़े। जबरदस्त हमेशा परफॉर्मेंस रहता है इस टीम का और इस मरतबा शायद इनके खिलाफ थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो रही है और ऐसे हालातों में यहां पर लगना होगा किसी एक बल्लेबाज को। मोहन दीक्षित आएंगे नए बल्लेबाज। पार्थ चंदन को आप देख सकते हैं अभी भी नौ स्ट्राइक गेंद पर खड़े, पिछली चार गेंदे भी नौ स्ट्राइक पर खड़े, शुरुआत बेहतरीन हुई थी लेकिन सूरज के सामने कोई भी खिलाड़ी नहीं टिक पा रहा है। लालचंद गेंद के नीचे कैच लेना चाहिए था, चार बॉल में चार विकेट यहां पर बन सकते थे। थोड़े से नाराज होंगे लेकिन लालचंद गबन सागर कभी कैच छोड़ते नहीं, एक अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों। कि ये कैच छूटा इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये कैच छोड़ा है। 52 साल की उम्र के होने के बावजूद अगर किसी में दम है ना तो आप मैदान के अंदर इतना क्रिकेट खेल कर दिखिए। ये लालचंद गाबंड है, कई सारे कैचेस उन्होंने पकड़े लेकिन चले इस बार जीवनदान मिला। आगे आकर खेला है शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को ढकेला सीमा रेखा पार स्वीपर कवर की दिशा में, चार रन ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पकड़ा भारी है टीम केडीएच वाघवीलीवाड़ा का 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम विल फिनिशर महबूब इलेवन बोनकोड़े। बिल्कुल यहां पर टॉस किया जाएगा, सागर आइए टॉस बॉक्स में, दो टीमों के बीच में टॉस किया जाएगा। पृथ्वी इलेवन ग्राम सेवक ढेरे साहब अपना विनंती करतो कि आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी आपण टॉस करावा। भिवंडी परिसरातून आलेला हा संघ तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल, भवाले ब सूरज केने अँड टीम, आणि एकीकडे आपण मंगलमूर्ती कालुंद्रे तो संघ या ठिकाणी पाहाल। मी ग्रामसेवक आमचे ढेरे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते स्क्रीन अतिशय जबरदस्त पाहू शकाल, प्रेक्षकांना देखील कुठलीही या ठिकाणी त्रुट्या नाहीयेत, सर्व तुमच्या गरजा या स्पर्धेच्या माध्यमातून करताना पूर्ण केल्या जात आहेत। बवाले ब द टॉस का बॉस कालुंद्रे संघाने टॉस जिंकलाय, जो काही निर्णय असेल तुमचा ही मॅच समाप्त झाल्यानंतर आपण लगेचच मैदानात जायचंय। नए गेंदबाज आएंगे दर्शन, सूरज के पहले ओवर में केवल 9 रन आए। घायल तो हर परिंदा है मगर फिर से उड़ सका, वही मैदान में जिंदा है। क्या यहां पर मैदान के अंदर अगर जीत की दहलीज के ऊपर खड़े रहना है तो एक पार्टनरशिप की तलाश होगी। और चलिए इस बार बैक टू द बॉलर, गुड फील्डिंग, अपने ही फॉल थ्रू में रोकने में कामयाब। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आ रही है, पूरी तरीके से अब संकट में है टीम वेल फिनिशर महबूब इलेवन टीम बोनकोड़े। वेल फिनिशर महबूब की अगर बात करेंगे तो बैलगाड़ा क्षेत्र में 3006 महबूब बैल हमेशा आगे रहता है और हमारे महबूब लदब कमेंटेटर ये भी काफी आगे रहते हैं लेकिन आज उनके नाम से अगर खेल रहे हो आप तो निश्चित तौर पर आपको भी उतनी ही रफ्तार से चलना पड़ेगा। एक रनों की मदद से डबल डिजिट में स्कोर पहुंचा है 10 रन, 81 रनों का टारगेट है अभी भी 71, 71 रनों की यहां पर जरूरत है। और इस बार हवा में है मिस टाइमिंग, खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे और ये तू तू मैं कर बैठे। लीजिए खास करके अमित मात्रे, ये ट्रेन जा रही है मेरे ख्याल से वंदे भारत, बिल्कुल केवल यहां से गुजर रही है। क्या नजारा है, क्या यहां पर दृश्य है, ये ड्रोन कैमरे की सहायता से भी आपने इस मैदान का वीडियो जरूर देखे अपने मोबाइल पर अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, कितना बड़ा विहंगम दृश्य आपने देखा, बर्ड आई व्यू जो ड्रोन कैमरे के सहायता से संपूर्ण चारों तरफ ये टॉवर, बड़े बड़े ट्रेन आपसे गुजरती हुई सामने से और ये क्रिकेट का शानदार टेकन, एक और विकेट आदि सेना सस्ते में लौटी है, विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर।
तो चलिए बोनकोड़ी 11 टीम की नैया पूरी तरीके से बीच भवर में फंस चुके हैं, लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक ला सकता है। अभी भी मैदान के अंदर सागर चंद और मोहन दीक्षित। ओ कमाल का यह स्ट्रोक, जबरदस्त टाइमिंग, सीधा कवर्स के ऊपर से अनबीटेबल जबरदस्त स्ट्रोक, सीमा रेखा पार, दैट्स द मैक्सिमम हिट, 6 रन। जय तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्यामुळे आहे आमचं आयुष्य हे छान, आई एकविरेचं संगीत बिलकुल आपने यहां पर सुना। बरोबर, फिर से एक बार तैयार। और इस बार टॉस बैटेड अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था। तू तू मैं क्या कर रही है, दोनों यहां पर खिलाड़ी एक ही पपटरी पर थे, अंत में मना कर दिया था, लेकिन लौटना पड़ेगा सागर चंद को जिन्होंने अभी अभी छक्का दागा था, उसके बाद ये उनके ऊपर ये संकट, एक और विकेट, पांचवा विकेट मैदान से बाहर। डीजे पूरी तरीके से यहां पर अपना आपा खो बैठी है, रन नहीं बन रहे, जैसे रन आ रहे थे वैसे ही इन रनों को रोकने का प्रयास भी इस मर्तबा कर रही है टीम केडीएच 11 वाघुलीवाड़ा। और केडीएच वाघुलीवाड़ा की बात करेंगे तो हवेली ग्रुप हमेशा इनको हमेशा शुभकामना देती है। किरण मढ़वी उस ग्रुप के निश्चित तौर पर हकदार है, उनके मेंबर है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन इस मर्तबा यहां से बड़े शॉट चाहिए, मैच फंसा हुआ है, केवल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाले 18 गेंदों में आपको 63 रन बनाने, यानी कि चित्र स्पष्ट है कि 18 गेंदों में बस 10 छक्के दागिए, यही मन में आपको आप उतरकर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक है अनभिज्ञता और दूसरा है आत्मविश्वास, उसी आत्मविश्वास के साथ आप यहां पर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पर, लेकिन चलिए मना कर दिया, वहां पर सिंगल लेना चाहते हैं, विकेट गवाई बहुत सारी है, इसकी वजह से वहां पर एक ही लेना चाहते, एक रनों की मदद से वेल फिनिशर महबूब 11 बुनकोड़े टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन 17 गेंदे 62 रनों की अभी भी यहां पर आवश्यकता है। जब एक टीम व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम का भरोसा करना सीख लेती है ना, तो वास्तविकता उनकी उत्कृष्टता बन सकती है। और ये लीजिए, चलिए मिड और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। जय बिल्कुल, क्या शानदार आयोजन, आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा सेना ग्रामस्थ मंडल उसरली का ये शानदार आयोजन, ये अच्छा स्ट्रोक है, सीधा पल्ले के रडार में गेंद आई थी, एफर्ट लाजवाब था, एक्शन रिप्ले में हम जरूर चेक करेंगे कि सूरज थोड़े से नाखुश है, जब अच्छी फील्डिंग होती है तो तालियां जरूर बजती है, लेकिन एफर्ट अच्छा था खिलाड़ी का। चलिए रिप्ले में जरूर हम चेक करेंगे, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा जाएगा, बल्ले के स्लॉट में गेंद जरूर आई थी। चलिए आप वहां पर चालू कर सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है, दर्शक देख सकते हैं। चलिए प्रतीक थे वहां पर लंबे कद के खिलाड़ी, बेहतरीन एफर्ट था उनका, फुल टॉस बॉल थी, मिस टाइमिंग जरूर है, गैप में खेलने का प्रयास, बाउंड्री लाइन के नजदीक एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। यस अंपायर, बैटिंग टीम रिव्यू है, चलिए जो बचा हुआ रिव्यू है वो यूज करना चाहती है बैटिंग टीम, नो बॉल है या नहीं चेक किया जाएगा, थर्ड अंपायर को गुजारिश करेंगे कि आइए थर्ड अंपायर आप वहां पर चेक कीजिए कि बैट्समैन का रिव्यू है, होता है कि आप यहां पर बचाने के बजाय लिया जाए तो जरूरी होगा, और ये कहीं ना कहीं रिव्यू यहां पर लेना चाह रही है टीम वेल फिनिशर महबूब 11 बोनकोड़े। चलिए कमेटी मेंबर्स आइए, हेमंत आप ही चेक करें, नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा, बिल्कुल प्रवीण गरत होंगे तो एक तरफ होंगे सूरज के ने, यानी कि भिवंडी की बवाले ब और उनके खिलाफ खेलेगी टीम मंगलमूर्ति कालुंद्रे। तो इट्स अ फेयर डिलीवरी, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा जाएगा, बिल्कुल थोड़ी सी नीचे थी ये गेंद, इसकी वजह से अंपायर ने थर्ड अंपायर ने इसे बिल्कुल फेयर डिलीवरी यहां पर घोषित कर दिया है। तो चलिए यहां पर ये पूरी तरीके से फेयर डिलीवरी नजर आती हुई, केवल रन मिलेगा एक, इस गेंद के ऊपर रन बने हैं टोटल, अभी तक बात करेंगे
24 ओ चलिए माफ कीजिएगा 25 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार अंपायर का व्हाइट बॉल का करार नजर आता हुआ, जो पहले सत्र में आपने धुआंधार बल्लेबाजी देखी ना, वो बल्लेबाजी कहीं नहीं नजर आ रही है। ऐसे हालातों में 5 विकेट भले ही गवाए होंगे, लेकिन आप में वो काबिलियत होना भी बहुत जरूरी होता है कि मैच दूर जरूर है लेकिन मैच में आपको वापस आना भी बहुत जरूरी होगा। देखिए टॉस विनिंग टीम, अगर आपका निर्णय होगा फील्डिंग तो आप हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए, तो कमेटी इशारा कर रही है। अगर आपने बैटिंग ली है तो सीधा खिलाड़ी कक्ष के सामने आकर आप रुकिए। तो चलिए वहां पर आप देख सकते हैं सिंगल ही मिलेगा, 14 रन नहीं बन पा रहे, फुल टॉस के ऊपर भी प्रहार नहीं हो रहे, सीधी गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ में डीप में, वहां पर खिलाड़ी उठाए फील्ड करे मात्र केवल 1 रन। बिल्कुल इसी के साथ ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 आने वाली 12 गेंदे और चाहिए 53 रनों की जरूरत। तो सन्माननीय देवेंद्र भगत साहब माजी ग्राम पंचायत सदस्य यांचे इथे आगमन झाले, वेलकम। आणि सन्माननीय नंदू सुर्वे साहेब यांचं सुद्धा, लेजंड क्रिकेटर नंदू सुर्वे, एक काळ होता त्यांनी गाजवला होता आणि आज तागायत युवा वर्गाला जे नेहमी मार्गदर्शन करतात ते नंदू सुर्वे साहेब आणि यांचं इथे आगमन झालं। तर जयवंतजी भगत साहेब माजी ग्रामपंचायत सदस्य आम्ही पाहतोय त्रिमूर्ती आमचे आयोजक, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो, आमदार चषकाचे त्रिमूर्ती आयोजक त्यांना सुद्धा आपण पाहतोय। चला नेक्स्ट मॅच टॉस विन टीम फिल्डिंग असेल, किरणजी भगत साहेब ग्रामपंचायतचे क्लार्क आहेत, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो, ग्रामस्थ मंडळ आपण जरूर पाहतोय। तो चलिए 12 गेंदे और 53 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 1000 से अधिक दर्शक यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बार चलिए ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का ये व्हाइट बॉल का इशारा था, वह व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती भी, इक्का दुक्का से यहां से काम नहीं बनेगा। अगर मैच में आपको बने रहना है तो बिल्कुल आपको चौके छक्कों की तलाश यहां पर लेनी पड़ेगी। खुद को बिखरने मत देना किसी भी हाल में, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें भी ले जाते हैं, और यहां पर आपको यहां पर खुद को बिखरना नहीं देना है, मैदान में बिल्कुल बने रहना है। स्लोवर बन गेंद के ऊपर भी कोई प्रहार नहीं, डॉट बॉल, जिस उम्मीद के साथ बनकुड़े 11 टीम मैदान के अंदर उतरी थी। देखिए सागर, कभी कभी होता है जब आप रायगढ़ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट खेलते हो ना, तो आपको समय पर आना यह बहुत जरूरी होता है। जब आप इधर लेट होते हैं तो आपकी भागदौड़ होती है, फिर आपको मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती, टाइमिंग नहीं मिलता, फिर आपको टीम मीटिंग करने के लिए समय नहीं मिलता, फिर वैसे आप खेल जाते हो, और कहीं ना कहीं ये जो सारे क्रिकेट के रूल्स है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि समय के साथ आपको टूर्नामेंट में आना बहुत जरूरी होता है। और ये लीजिए बड़ी बड़ी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये मुकेश भाई भगत ही कर सकते हैं, पिछले साल आपने देखा इससे भी बेहतरीन, और इस साल उससे भी बेहतरीन ये शानदार आयोजन आपके सामने नजर आता हुआ, और इस बार सीधा गेंद ठोका है सीमा रेखा पार, 6 रन। नहीं उम्मीद लेकर यह टूर्नामेंट हमेशा आपके सामने आती है, और अभी अभी सागर ने कहा कि 8 तारीख को महिला दिन है, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी सभी जो हीरकनी महिला वर्ग रन रागिनी आपको इस मंच के ऊपर बिल्कुल नजर आएगी, और निश्चित तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी चर्चा करेंगे सागर की। आम्ही नेहमी स्पर्धेमध्ये सांगत असतो की जिथे स्त्रीचा अपमान झाला तिथे महाभारत रामायण घडलं, जिथे परस्त्रीचा देखील आई समान सन्मान केला गेला तिथे माझ्या शिवरायांचं स्वराज्य घडलं। नक्कीच प्रवीण, मागच्या वर्षी सुद्धा महिला वर्गाने गर्दीचा विक्रम केला होता आणि स्पर्धेची चर्चा झाली होती, सिने कलाकार अभिनेते सर्वांची लाडकी सिरियल ऍक्टर दीपा आणि पल्लवी यांना पाहिलं होतं, आणि यावर्षी सुद्धा आम्ही पाहतोय प्रार्थना बैरे ज्या सिरियल ऍक्टर आहेत, जागतिक महिला दिनानिमित्त आपण पाहतोय 8 मार्चची रात्र रील स्टार सिने कलाकार अभिनेते आणि रॉयल एंट्रीज आपण प्रवीण या स्पर्धेमध्ये पाहणार आहोत। येस सागर, 2015 आसपास मी तिच्यासोबत सेल्फी काढला होता स्वप्नगिरीमध्ये, आता पाहूया ओळख होते की नाही। हो स्लोवर बन गेंद थी, चलती पडली आहे, मुकाबले में घुसने का प्रयास, लेकिन सीधा गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज आउट।
डीजे सागर, इस मंच की अगर बात करेंगे ना तो ये मंच काफी अच्छा नजर आता हुआ। देखिए खूबसूरत मंच है, मेहमानों के लिए बैठने के लिए कितनी परफेक्ट जगह बनाई है। और ये टॉस बॉक्स हमारा, कॉमेंट्री बॉक्स, डीजे कक्ष और नीचे ये ट्रॉफी हक देखकर सागर हमें, मुझे तो फक्र हो रहा है कि मुझे बहुत अभिमान हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके इतिहास की शौर्य गाथा गाने वाली ये ट्रॉफी एक विक नंबर टीम को बिल्कुल यहाँ पर दी जाएगी। ये होता है परंपरा महाराष्ट्र की, हिंद विश्व राज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज इनको नमन करते हुए बिल्कुल इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, 41 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। थ्रो थोड़ा सा खराब था जिसकी वजह से यहाँ पर बल्लेबाज ने रन बटोरा दूसरा और इसी दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 42। आने वाली 7 गेंदे 39, एक आध बड़ा छक्का अगर यहां से आएगा तो बच्ची रहेगी, 6 में 33 यहां पर बने रहेंगे। लेकिन देखेंगे अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर कोई बड़ा हिट आएगा। और चलिए स्लो ओवर वन किया था जरूरी इस गेंद को, फील्डर है मौजूद वहां पर, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है टोटल 43, 6 गेंदे 38 की जरूरत। तुम्ही स्क्रीन वरती पाहताय मित्रांनो की भारतीय जनता पार्टी कुसरली खुर्द गावदेवी उसराई चषक युवा सेना गावदेवी उसराई चषकचं हे व्यंगम तुम्ही मैदान ड्रोनच्या माध्यमातून करताना पाहताय। हे दृश्य संपूर्ण वर्तुलाकार मैदान, समोर तुम्हाला मोठे मोठे टॉवर पाहायला मिळतील आणि यंदाचा रायगड जिल्ह्यातील हे नंबर 1 आयोजन तुम्ही पाहू शकाल की तुम्ही मंचावरती देखील LED स्क्रीन देखील पाहायला मिळते आणि संपूर्ण ही लाईट तुम्हाला फ्रंट लाईट पाहायला मिळते की जेणेकरून खेळाडू कुठलाही व्यत्यय नको, एक जबरदस्त इथे तुम्ही आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहताय। भूतोन भविष्य असं हे व्यासपीठ तुम्ही पाहू शकाल आणि काय हे दृश्य वर्तुलाकार मैदानावरती। बोलो तयार मुकेश भाई भगत, इनकी जरूर तारीफ करेंगे, हर साल सागर कुछ ना कुछ नया करने का इरादा उनके मन में होता है और इस साल काफी बड़ी आयोजन भारतीय जनता पार्टी का, ये उसरली खुर्द का ये शानदार आयोजन आपके सामने। एक बाउंस का इशारा अंपायर वहां पर देते हुए, पहली गेंद आपने देखा कि जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, बॉलर तैयार होते हुए सुमित, हाफ ट्रैकर की बॉल और पूरी तरीके से यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। और जब भी मैदान के अंदर वागुलीवाड़ा खेलती है ना तो मुझे नीलेश पाटिल आदत नीलेश पाटिल हमारे वागुलीवाड़ा के जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं। बिल्कुल यहां पर बेहतरीन गेंद ठेगा, सीधा फेंका है 6 रनों के लिए। हमारे आदेश भाई के मालक, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। नीलेश भाई आप भाई सर तहे दिल से स्वागत, बढ़िया शॉट, इस बार भी अच्छा शॉट था लेकिन मिस टाइमिंग है, सीधा खिलाड़ी हो लालचंद गावट पहुंच ही गए थे लेकिन थोड़ी सी उनके पहुंच में नहीं रही गेंद, एक ही मिलेगा। इंडियन रेलवे वंदे भारत, आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार यहां से सफर हो रही है और जब जैसे ट्रेन स्लो होती है वो दर्शकों को भी थोड़ा सा सागर आनंद मिलता है। कालंद्री टीम जो भी निर्णय होगा जो लेकर आपको तुरंत मैदान के अंदर उतरना, यह बात आप ध्यान में रखिए। कालंद्री टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि यदि आपका फील्डिंग का निर्णय है तो हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए, अगर आपकी बैटिंग है तो सीधा खिलाड़ी कक्ष की तरफ आप जाइए। डॉट बॉल की समाप्ति, अंतिम एक गेंद बची है, फील्डिंग कालंद्री टीम ने फील्डिंग ली है तो भवाली टीम आप खिलाड़ी कक्ष के सामने आइए। और इनसाइड आउट, कमाल की टाइमिंग, ये पहले करना चाहिए था, अगर ये पहले करते तो शायद मैच में मान सकते थे। 56 बने और इसी के साथ मैच फिनिश। अभिनंदन टीम सूरज एंड KDH 11 वागुलीवाड़ा और हार्ड लक विल फिनिशर महबूब 11 बोनकोड़े जो नवी मुंबई से आई हुई थी टीम, लेट आई लेकिन थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस खराब रहा और ये मैच जीता। धन्यवाद डीजे, बिल्कुल यहां पर एक शानदार तरीके से ये मैच को जीता KDH 11 वागुलीवाड़ा टीम ने और इस मैच के हकदार बने सूरज
10 गेंदों में उन्होंने 36 रनों की शानदार पारी खेली और 2 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट उन्होंने अर्जित की। लाइनअप करके आइए वाकिलेवाड़ा और सागर सूरज।